कहते हैं पैसा अच्छा भी है और बुरा भी। पैसा आपको अगर अच्छी लाइफस्टाइल देता है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करता है, तो कहीं ना कहीं आपको बिगाड़ता भी है। क्योंकि अगर पैसा ज्यादा होगा तो खर्च भी ज्यादा होगा, और खर्चा किसी अच्छी जगह पर हो ये अमूमन कम ही होता है। क्योंकि पैसे को सही जगह लगाने का दिमाग हर किसी के पास होता भी नहीं, और जिसके पास होता है वो देता भी नहीं। अब बात अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति की ही करें, तो हर सीजन में कम से कम कोई ना कोई तो ऐसा निकलता ही है जो करोड़पति बनकर वहां से लौटता है। साल 2011 में 5 करोड़ रुपए जीतने वाले बिहार के सुशील कुमार तो आपको याद ही होंगे, जिन्होंने 5 करोड़ की राशि जीतने पर खूब चर्चाएं बटोरी थी। लेकिन वो ज्यादा दिन तक इस नाम को कायम नहीं रख सके, क्योंकि अथाह पैसे ने उन्हें बर्बाद कर दिया। कौन बनेगा करोड़पति के बाद अपनी बर्बादी के दिनों को सुशील कुमार ने खुद सोशल मीडिया के जरिए साझा किया है। सुशील कुमार ने आप बीती सुनाई है कि कैसे केबीसी में जीतने के बाद उनके जीवन का बुरा दौर शुरू हो गया, कैसे उन्हें शराब और सिगरेट की लत लग गई। अपने फेसबुक पेज पर सुशील कुमार ने लिखा, केबीसी की जीत के बाद लाइफ काफी मुश्किल हो गई। लोकल सेलिब्रिटी बन गया, महीने भर में बिहार में ही 10 से 15 दिन किसी न किसी कार्यक्रम में जाना शुरू कर दिया। पढ़ाई लिखाई बिल्कुल छूट गई, मीडिया को लेकर सीरियसनेस बढ़ गई, अलग अलग बिजनेस में पैसा लगाते गए और पैसा डूबता चला गया। गुप्त दान देने का भी चस्का लग गया, बहुत सा पैसा दान दिया। ऐसे में कई ऐसे लोगों से भी पाला पड़ा जो ठग थे। चापलूस लोगों के साथ रहने पर पत्नी ने टोका भी, लेकिन नहीं सुनने पर पत्नी के साथ भी रिश्ते खराब हो गए। कुछ कारें खरीदी, दिल्ली भेजी। इस सिलसिले में दिल्ली आना जाना पड़ता था क्योंकि लोग मुझे जानते थे। तो ऐसे में जामिया मिलिया इस्लामिया और IIMC से मीडिया की पढ़ाई कर रहे छात्रों से मुलाकात हुई। उठना बैठना बढ़ा तो साथ में बढ़ी शराब और सिगरेट की लत। उसके बाद भी पैसा तो अथाह आ ही गया था, तो फिर हॉलीवुड और हिंदी फिल्में भी जमकर देखना शुरू किया। ज्यादातर नेशनल अवार्ड विनिंग और ऑस्कर विनिंग फिल्में देखी, तो भूत सवार हुआ डायरेक्टर बनने का। डायरेक्टर बनने पहुंचे मुंबई तो पहले लोगों ने टीवी से काम शुरू करने की सलाह दी, वो भी नहीं हो पाया तो एक प्रोडक्शन हाउस में काम करना शुरू किया, लेकिन ज्यादा दिन तक वो भी नहीं चल पाया। लेकिन मुंबई में कम से कम एक जो चीज अच्छी हुई वो ये कि वहाँ खूब फिल्में देखी और अच्छी किताबें पढ़ी, जिंदगी का मतलब समझ आया, खुद को समझने का मौका मिला, तो वापस पहुंच गया बिहार। टीचर की नौकरी के लिए तैयारी की, अब टीचर हूँ, एक स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, साल 2016 से शराब नहीं पी है और सिगरेट की लत भी छूट गई है। तो किसी ने शायद पैसे को लेकर सच ही कहा है, या फिर सुशील कुमार की जिंदगी पर तो ये कहावत बिल्कुल ठीक बैठती है कि मैं पैसा हूँ और नमक की तरह हूँ, जो जरूरी तो है मगर जरूरत से ज्यादा हो तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देता है। खैर, समय रहते सुशील कुमार संभल गए, सब कुछ गवाह भले ही दिया लेकिन कम से कम बुरी लतों से तो छुटकारा मिल गया और अब एक अच्छी नौकरी भी कर रहे हैं। आप सुशील कुमार की इस कहानी से क्या सीख लेते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं।